नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना द लक्ष्मी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट। दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड तवा पिज्ज़ा, जो कि बिना चीज़ के बनाऊंगी मैं। जो भी सामग्री इसमें लगेगा सब घर में आसानी तरीके से मिल जाता है। तो आइए देखते हैं कि तवा ब्रेड पिज़्ज़ा बिना चीज़ के घर में कम सामग्री में कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों इसके लिए मैंने लिया है 5 स्लाइस ब्रेड है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हाफ शिमला मिर्च जो बारीक चॉप कर लिए हैं, मीडियम साइज़ का टमाटर, मीडियम साइज़ का प्याज जो कि बारीक चॉप कर लिए हैं, 1 कप फ्रेश मलाई है, बटर पिज़्ज़ा देखने के लिए 2 बड़ा चम्मच रवा लिए हैं, नमक स्वाद अनुसार। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए हम इसका बैटर बना लें, कैसे इसको हम ब्रेड पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बाउल में प्याज डाल देंगे बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च, टमाटर, रवा, मलाई, नमक और हरी मिर्च। आप हरी मिर्च अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा इसमें पानी नहीं मिलाना है, ये सिर्फ मलाई और रवा और सब्जियों का ही मिश्रण रहेगा। तो दोस्तों देखिए ये पेस्ट बनके बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों देखिए हम इस मिश्रण को ब्रेड के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। देखिए अच्छे से इसको सेट कर लेंगे ब्रेड के ऊपर। इसी तरीके से सारे ब्रेड भी लगा के रख लेंगे। तो देखिए दोस्तों सारे ब्रेड पे पेस्ट लगा के रेडी है। अब इसको हम तवे पे सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम अपना तवा गरम कर लेंगे, फिर इसमें हम मक्खन लगा लेंगे। और जिस तरह पेस्ट लगा हुआ है सबसे पहले उधर को सेकेंगे ऐसे। जब एक तरफ अच्छे से सिक जाए इसको हम दूसरी तरफ पलट देंगे और देखिए दूसरी तरफ भी सिक के क्रिस्पी हो गया है। तो दोस्तों देखिए घर में गर्मा गर्म तवा ब्रेड पिज्जा बिना चीज के बन के बिल्कुल रेडी है। इसको बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बड़े भी बहुत पसंद करते हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट में स्नैक्स के रूप में कभी भी बना के खा सकते हैं। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अभी तक मेरा चैनल द लक्ष्मी किचन को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।